जो बीमारी से अकलीसिया कर दिया, रोटी से भी पानी तक मैं लाना मुश्किल हो गया। सिर्फ हल्के हल्के छोटे छोटे दो चार कट तो डिस्किंत लगाए जाते हैं और सर्जरी हो तो मेरे ख्याल दो तीन घंटे बाद ही मैं पानी पीने दिता गया, जिड़ा कि पहले पानी पीने तो मैं डर लगता है कि वह अटक जाता है गले। मेरा नाम सुखदेव सिंह, मिस्टर किशारपुर शहर मकेरियाँ तो मैं मेरे वीडियो बनाने का पर्पज है क्योंकि मैंने जो बीमारी से अकलीसिया कर दिया, पहले से 7 साल तो मैं इस बीमारी तो इन्ना परेशान थी, इन्ने हॉस्पिटल और इन्ने डॉक्टरों को मिले लेकिन कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि मैं प्रॉब्लम की है। खार खर रोटी से भी पानी तक मैं लेना मुश्किल हो गया और उसकी वजह ना मेरा वजन काफ़ी लॉस हो गया और टेंशन बीमारी का पता नहीं चल पा रहा। और इसी तरह घूमने अगर पता करते करते एक दिन नेट पे सर्च कर रहे थे अपनी अकॉर्डिंग बीमारी से तो डॉक्टर जसवीर सिंह अलूवालिया जी बारे पता चलेगा, इन्हों की वीडियो देख के फिर इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, मैं मैंने डिटेल में समझाया और फिर इन्होंने बुलाया मैंने उसे अपने हॉस्पिटल जलंधर, इन्होंने जैसे टाइम पर मैं पहुँचे उन्होंने गलबात की और जिस तरीके ने और डिटेल में और बिल्कुल सही तरीके ने मैंने समझाया कि मैं पूरा यकीन होगा कि हाँ मेरी बीमारी इतना डायग्नोस हो जाएगी पूरी ठीक हो सकता है। हालांकि इस तो पहले मैंने कई डॉक्टरों ने बलून डायलेशन का सुझाव दिता जरा कि अंदर एक बलून डाल पा के उन्होंने फैलाया जाता महामारी स्पिंटर को, लेकिन वो कोई गरंटेड नहीं है कि 2 महीने बाद तुम्हें दोबारा प्रॉब्लम हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, 6 महीने बाद, कोई गरंटी नहीं है। इसलिए कभी यूट्यूब से मैं देखा तो मैंने यही अवॉइड किया डॉक्टर साहब ने कि बलून डायलेशन ना करवाया जाए, उन्होंने फिर सलाह दी मैंने। हालांकि मैं काफ़ी मेडिसिन भी यूज कर रहा है, 2-3 महीने मेडिसिन खाधी कोई फर्क नहीं, सिर्फ पैसा वेस्ट किया, होम्योपैथिक आयुर्वैदिक सारिया दवाइया खाधी। उस बाद सजेस्ट किया मैंने सर्जरी का जी, सर्जरी बेसिकली हर कोई सुन के डर जाता कि सर्जरी होएगी पता नहीं कि, लेकिन डॉक्टर साहब ने भरोसा दवाया कि लैप्रोस्कोपिक दूर भी ना की जाती है, काफ़ी तुम कंफर्टेबल रहोगे और जल्दी रिकवरी भी है। सो मैं 21 तरीक न डॉक्टर साहब को पहुँचा, सारे टेस्ट इंडोस्कोपी वगैरह जो भी टेस्ट के बच्चे है सब करके कन्फर्म हो गया कि अकलीसिया कार्डिया बीमारी है और इधर सर्जरी करनी पड़ेगी। 21 तरीक न तो 21 तरीक मैं पहुँचे थे और एडमिट हो गए अपने टेस्ट करने के बाद डॉक्टर साहब ने सर्जरी की थी और जी मेरी अकलीसिया कार्डिया की सर्जरी की गई है कोई जिन्होंने लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन ही कहने आम भाषा दूरबीन है जिसे कोई कट नहीं लगाया जाता, शरीर में चीरफाड़ नहीं की जाती, सिर्फ हल्के हल्के छोटे छोटे 2-4 कट तो डिस्किंत लगाए जाते हैं कि जेडे माइनर बिल्कुल कोई महसूस नहीं होंगे थोड़ा, और वह सर्जरी तो बाद बिल्कुल 1 हफ्ते या 10 दिन ठीक हो जाते, वो फास्ट रिकवरी है जी। और सर्जरी होने तो मेरे ख्याल 2-3 घंटे बाद ही मैं पानी पीने दिता गया, जिड़ा कि पहले पानी पीने तो मैं डर लगता है कि वह अटक जाता है गले, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पानी बिल्कुल नॉर्मल तरीके ना जिस तरह पहले जाता है। उस तो 1-2 घंटे बाद जूस भी दिता गया, उस तो बाद खुद मैं उठ के सर्जरी तो 1-2 घंटे बाद बाथरूम भी गया, तुरया फिर भी थोड़ा कोई एड्डी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई मैं, इसलिए मैं तो सारे यही सुजैस कराँगा कि सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही उपयोगी है साथ ही। उस तो बाद जो उसके बाद जो प्रोसीजर है कि थोड़े अंदर थोड़ी बहुत पेन है 1 दिन तो बाद ही बिल्कुल मैं समझ लो कि 80% रिलैक्स फील कर रहा है कि मैं मेरे अंदरों काफ़ी कोई दर्द नहीं हो रही कोई पेन नहीं है। 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से छुट्टी देती गई और घर जाके मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके जूस वगैरह लिक्विड डाइट लै रहा, कोई नहीं कितने हंस रहा, कोई महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके एकदम दिमाग चो टेंशन सारी खत्म हो गई। और मैं सारे यही सुजैस कराँगा कि स्टार हॉस्पिटल जाके अगर किसी को ये दिक्कत है अकलीसिया कार्डिया की खासकर तो
स्टार हॉस्पिटल से आए, डॉक्टर जसवीर सिंह जी मिले, बहुत ही अच्छे सर्जन और बहुत अच्छा स्टाफ है, उनका सपोर्ट है। बिल्कुल महसूस नहीं होता कि तुम किसी इस हॉस्पिटल में हो, बिल्कुल महसूस होता कि एक घर वाला एटमोसफेयर मिलता था, तो बिल्कुल हम ठीक हैं, सब कुछ ओके।